हेलो दोस्तों, तो भैया हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, हम इस वीडियो में अपना एग्जांपल 1 to 5 कवर करने जा रहे हैं और हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये वीडियो डिपेंड करती है हमारी इससे पिछले वाली वीडियो 4th नंबर पर जो वीडियो थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और आपने बाकी सारी वीडियो देख ली तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। वो पूरी ये वीडियो ये सारे क्वेश्चन उस पुरानी वीडियो पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए डालू, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने वाली वीडियो देखी है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपको सब आता है पिछली वीडियो का। ठीक है जी, तो मैं पूरा बेसिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बेसिक वहां पर पूरा ही अच्छे से क्लियर कर दिया है आपका। अब हम पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो ट्राई करते हैं। पहला वो सब करा चुका हूँ, बस ये दोबारा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करा चुका हूँ जो एग्जांपल है हमारा सेम एज इट इज। ये लो जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि भैया इस बार आपके पास a प्लस बी वेरी करेगा, a माइनस बी के वेरी कर रहा है, तो आप तीन चीज प्रूव करके दिखाओ, 1, 2, 3। तो पहले चीज से प्रूफ से हम दूसरी दो बातें भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैं अलग अलग करके करा चुका हूँ बेटा मैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं जरा देखना, हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर, a प्लस बी वेरी कर रहा है a माइनस बी से। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू के a माइनस बी। तो a प्लस बी k को अंदर भेजेंगे हो जाएगा के ए माइनस के बी, बी को इधर ले आएंगे तो प्लस का के बी हो जाएगा और a को इधर लाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा। इधर से b को मैं निकाले तो 1 प्लस के हो गया, इधर से a को मैं निकाले तो k माइनस 1 हो गया। a अपॉन b निकालने के लिए क्या करेंगे, a अपॉन b, b को उठा के नीचे भेजेंगे इधर और इसको उठा के इधर भेज देंगे नीचे, ये वाले को k को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के अपॉन में के माइनस 1। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, a अपॉन b थोड़ा इधर कर लेंगे, k प्लस 1 अपॉन में के माइनस 1। फिर मैंने बच्चों क्या बताया था, लेट m बराबर k प्लस 1 अपॉन में k माइनस 1, ये कराया था मैंने, m बराबर लेट कर लेना पिछली वीडियो में। इसको आपने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या आगे बढ़े, अब आपके पास आया a अपॉन b इज इक्वल टू m, वेयर a इज इक्वल टू एम बी, वेयर a इज इक्वल टू एम बी। बेटा इसको आप ना लेट कर लो, इसको डब्बे बंद करो, उसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आगे काम आएगा हमारे। तो बताओ जब a प्लस एम बी होगा तो पहला में हो गया प्रूफ, पहली बात प्रूफ हो गई। देखो a वेरी करेगा b को, एम बी की जगह पर क्या डाल सकता हूँ, मैं वेरी डाल सकता हूँ। तो भाई हमने क्या कर दिया, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, पहली चीज प्रूव हो गई। पहला जो मेरा पॉइंट दे रखा था, चेक करो ये वाला प्रूफ, a वेरी कर रहा है b को। अब क्या करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेरी करेगा a स्क्वायर माइनस b को। मैंने कहा जब ऐसा केस आए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, केस नंबर टू क्या कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेरी कर रहा है क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। तो मैंने ऐसे केस में क्या बताया था आपको सोल्यूशन में, पहले तो इसको डिवाइड में लेके आना, याद आ रहा है कुछ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a की जगह पर वैल्यू पुट करना, ये नहीं देखो बेटा, a की जगह पर क्या है mb, तो mb का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में mb का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो पीछे रीजन देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इसमें वैल्यू पुट करी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट से वैल्यू पुट करी है, अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे यहां से मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस वन, और नीचे भी बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो बच गया एम स्क्वायर माइनस वन। ठीक है भाई, यहां से तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो मेरा क्या बच गया, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एम स्क्वायर प्लस, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एम स्क्वायर माइनस वन। तो ये किसका था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा था लेट कर लेना जेड इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एम स्क्वायर माइनस वन, लेट कर लिया। तो अब क्या बचेगा जरा बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड आ गया इसकी जगह पर, इसकी जगह पर जेड आ गया बच्चे। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस दोनों की जगह पर मैं क्या डाल सकता हूँ, वेरी, तो लो बच्चों ये भी प्रूव हो गया। मैंने कहा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरी करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है जी, यहाँ पर ये बातें
प्रूव्ड हो गई। ऐसे प्रूव करना सिखाया था मैंने पिछली वीडियो में भी, और वो बहुत आराम से हो रहा था, है ना। लो भाई नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हमें थर्ड पॉइंट इसी का क्या बोलना है, अगर ध्यान से देखना थर्ड पॉइंट ये रहा, ये तो प्रूफ हो गया। अब थर्ड पॉइंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरी करेगा ए बी के, तो मैंने कहा था थर्ड पॉइंट में जब भी हमें प्रूफ करने वाली चीजें हुई तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरी करेगा ए बी के, तो कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन में। मैंने कहा था जब इसको ऐसा प्रूफ करने वाली जब भी कोई चीज आएगी तो अपॉन में लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा ए बी, ए की वैल्यू डाली थी, ए की वैल्यू क्या थी एम बी, ए की वैल्यू क्या थी एम बी था, नीचे ए की वैल्यू एम बी और बी एज इट इज, कहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, याद करो ए की वैल्यू अभी दिखा देता हूं बच्चे, ए की वैल्यू क्या थी एम बी थी, यहां देखना ए की वैल्यू क्या थी एम बी थी ना, तो वही मैंने ए की वैल्यू यहां पर पुट करी। अब बच्चे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एम बी स्क्वायर, है ना। तो भाई बी स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा एम स्क्वायर प्लस वन और बी एम बी स्क्वायर एज इट इज। अब भाई बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बच क्या गया बच्चे, बच गया एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एम। तो भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी है। अब इसको क्या करेंगे लेट कर लेंगे इधर भी, लेट y बराबर एम स्क्वायर प्लस वन, तो नाउ अब क्या बन जाएगा नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इज इक्वल टू y। अब इधर भेज देंगे ए बी को ऊपर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y ए बी, ठीक है। अब y इक्वल टू y की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, इक्वल टू y की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहूंगा वेरी कर रहा है किससे ए बी से। भाई समझ में आया ये, देखो कॉन्स्टेंट लाया नहीं लाया, तो मेरा मकसद हर में क्या लाना है इधर कॉन्स्टेंट लेके आना है, तो मैंने ये कहा ये भी है सो। पहला क्वेश्चन समझ में आया बच्चे कैसे करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन थे समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर टू पे। भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, कह रहा है ये और ये आपस में वैरी कर रहे हैं, आपको ये प्रूव करना है और ए बी पी क्यू कॉन्स्टेंट है बेटा, ठीक है। ए बी पी क्यू क्या है कॉन्स्टेंट, तो प्रूव करने वाली चीजें मैंने क्या कहा था अपॉन में लेना, उससे पहले हमें एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करना है सोल्यूशन, हमने कहा x प्लस वाई वेरी करेगा x माइनस वाई के, बताओ अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप सर x प्लस वाई बराबर k हो जाता है x माइनस वाई के, अब k को अंदर भेज देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई। भाई y को इस साइड लिया है तो प्लस का के वाई हो जाएगा और x को उधर लिया है तो माइनस का x हो जाएगा। इधर से y कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा 1 प्लस के, और इधर से x कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा के माइनस 1, ठीक है। तो x अपॉन y करना हो तो y को उठाकर x के नीचे भेजना पड़ेगा, तो x अपॉन y हो जाएगा और x के साथ जो था ये इसको इसके नीचे भेजना पड़ेगा, तो जाएगा 1 प्लस k अपॉन में k माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। तो मैंने कहा था इसके बाद क्या करना लेट करना m बराबर 1 प्लस k अपॉन में k माइनस 1, लेट कर लिया। लेट करने के बाद अब नाउ क्या बन गया, बस गया भैया x अपॉन में y इज इक्वल टू m, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर एम वाई, वेयर x और y वेरिएबल नहीं लाना हमें, ठीक है। हमें कुछ और वेरी करना है तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला है ये ए एक्स प्लस बी वाई वेरी करेगा पी एक्स प्लस क्यू वाई के। लाओ भाई, तो मैंने कहा भाई ए एक्स प्लस बी वाई वेरी कर रहा है क्या पी एक्स प्लस क्यू वाई के, ठीक है। इसको वेरी करवाना है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई वेरी करेगा पी एक्स प्लस क्यू वाई के, ठीक है। अब इसकी जगह पर आपने क्या डालना है, ठीक है बच्चे, ये तो आपको क्या करना है, अब x की वैल्यू जो ये है एम वाई वो डालनी है यहां पर और यहां पर, तो बच्चा क्या हो जाएगा a x की वैल्यू क्या है एम वाई प्लस बी वाई जो पहले से है सेम एज इट इज, p x की वैल्यू क्या है एम वाई और क्यू वाई जो पहले से है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा ए एम वाई प्लस बी वाई अपॉन में पी एम वाई प्लस क्यू वाई, अब ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है तो वाई कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया ए एम प्लस बी और वाई नीचे से कॉमन निकाला तो क्या बच गया एम पी एम, क्या बचेगा बच्चे
पी एम प्लस बी। अब भाई ए बी पी क्यू, ये क्यू होगा, क्यू सब कांस्टेंट थे और एम बी क्या है, कांस्टेंट है। वाई टू वाई कैंसिल आउट हो गया, वाई टू वाई कैंसिल आउट हो गया। तो भाई अब क्या बचा जरा बताना। हमने कहा जी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में पी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू बचा ए एम प्लस बी अपॉन में पी एम प्लस क्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा बेटा कांस्टेंट है, पूरा का पूरा, इसमें सारे चीज कांस्टेंट है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो वेरिएबल हो, सारा ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, पी क्यू तो पहले बोला तो आराम हमने कांस्टेंट लिया ही था। तो लेट कर लेंगे, लेट के बराबर ए एम प्लस बी अपॉन में पी एम प्लस क्यू। जैसे हमने के लेट करा तो हमारा अब सोल्यूशन क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में पी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू के। और जैसे हमने पी एक्स प्लस क्यू वाई के पास भेजा तो ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू के और पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अब इसको मैं वेरियंस बना सकता हूँ क्योंकि मेरा इधर क्या है वेरियंस के लिए इक्वल टू के। तो ए एक्स प्लस बी वाई वेरी करेगा पी एक्स प्लस क्यू वाई के। लो भाई यहां मेरी बात सारी प्रूव्ड हो गई, हैंस प्रूव कर दिया मैंने। ठीक है बच्चे, यहां मैंने प्रूव कर दिया। तो एग्जाम्पल नंबर टू हो गया, एग्जाम्पल नंबर थ्री में चलते हैं बच्चे। भाई ये वाला क्वेश्चन देखना, बहुत ही सिंपल, कितनी बार मैं इसको करा चुका हूँ। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई के, तो ये प्रूव करो कि एक्स वाई भी वेरी कर रहा है आपस में। लो जी सोल्यूशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब के को भेज देंगे अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। भाई वाई के वाई स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस का के वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, और के एक्स स्क्वायर एज इट इज एज इट उतरा, और इसको उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर वाई स्क्वायर मैंने कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा वन प्लस के, और इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले, अंदर क्या के माइनस वन। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर लाने के लिए वाई स्क्वायर को एक्स के नीचे भेजा और इसको फिर इसके नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के प्लस वन अपॉन में के माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने समझ में आता है, यहाँ तो मैंने पहले भी करा है, कितनी बार कर दिया है ना। अब इसके बाद जरा बात को समझे, हमें प्रूव करना है एक्स वेरी करेगा वाई को। ठीक है, एक्स स्क्वायर वेरी वाई को नहीं प्रूव करना। तो लेट करेंगे, लेट एम बराबर के प्लस वन अपॉन में के माइनस वन पहले की तरह। तो भाई इस पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर बराबर एम हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर एम वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात ध्यान समझने बेटा, अगर एक्स स्क्वायर और एम वाई स्क्वायर है तो हम कहेंगे ना देन एक्स स्क्वायर वेरी करेगा वाई स्क्वायर के। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वेरी कर रहा है तो साथ ही साथ एक्स वेरी कर जाएगा वाई के भी। कोई भी वैल्यू पुट कर देना बेटा हमेशा, क्योंकि एक्स में भी स्क्वायर कर रहे हो वाई में भी, इसलिए दोनों के दोनों क्या करेंगे आपस में वेरी कर जाएंगे। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आया आपके पास? ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर दोबारा यहाँ से ट्राई कर दूंगा आपके लिए। ठीक है यार, ध्यान से देखना, यहाँ से कर दूं दोबारा और पूरा प्रूव कर दूंगा वो भी। वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर वेरी करेगा वाई स्क्वायर, तो एक्स भी वेरी करेगा वाई की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूँ एक्स अपॉन में वाई इजिकल टू रूट के प्लस वन अपॉन में के माइनस वन, कर सकता हूँ बेटा ये। एक्स अपॉन में वाई को रूट में ला सकता हूँ, जो स्क्वायर है दोनों उसको उठाकर इधर ला देते रूट में हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई अब लेट कर लो एम बराबर रूट में के प्लस वन अपॉन में के माइनस वन, तो ये क्या होगा एक्स अपॉन में वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू एम वाई हो जाएगा और मैं कहूँगा एक्स वेरी करेगा वाई को। आ रहा आप समझ में? तो बात तो एक ही थी ना, मैंने आपको कहा पहले भी कि अगर आप ऐसे भी करोगे तब भी सही है, अगर आपने ऐसे करा तब भी सही है। ठीक है जी, प्रूव भी कर दिया मैंने। अब बेटा मेरे को ये बताना है कि मैंने इसको तीसरा क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन करवा दिया, ये क्वेश्चन नंबर फोर था, तीसरा में थोड़ा छूट गया, तो तीसरा क्वेश्चन अब कर लेते हैं। ठीक है, ये लो भाई तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका करते हैं।
कह रहा भाई ये आपके पास वेरी कर रहा है, ये प्रूव करना है, ठीक है जी। तो भाई ने कहा एक्स इस बार वेरी कर रहा है वाई के, तो अगले स्टेप में एक्स बराबर के वाई हो जाएगा। लो यही वैल्यू निकल गई इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ क्या क्वेश्चन प्रूव करना था, पी एक्स प्लस क्यू वाई अपॉन में ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पी के वाई प्लस क्यू वाई अपॉन में ए के वाई प्लस बी वाई, ये क्या हो जाएगा पी के वाई प्लस क्यू वाई अपॉन में ए के वाई प्लस बी वाई। अब सब में वाई है, देखो वाई 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 वाई, तो वाई मैंने कॉमन निकाल लिया ऊपर भी और नीचे भी, मेरे पे क्या बच गया ऊपर बचा पी के प्लस वन ओ सॉरी क्यू, और नीचे बचा ए के प्लस बी, ठीक है वाई टू वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया बच्चे मेरे पे पी के प्लस क्यू अपॉन में ए के प्लस बी। क्या मैं कह सकता हूँ ये सारा का सारा कांस्टेंट है, क्योंकि बुक में तो चार को कांस्टेंट बोला है, एक दो तीन चार को तो कांस्टेंट और के तो कांस्टेंट होता ही है, तो हमने कहा कि सारा का सारा कांस्टेंट है। तो नाउ लेट करेंगे m बराबर पी के प्लस क्यू अपॉन में ए के प्लस बी। सो हमारे पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन था पी एक्स क्यू वाई पी एक्स प्लस क्यू वाई ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एम हो जाएगा। नाउ पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर एम ए एक्स प्लस बी वाई, ये वाई है, तो अगले स्टेप पे क्या करना है पी एक्स प्लस क्यू वाई वेरी करेगा ए एक्स प्लस बी वाई के, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर हैंस प्रूफ। हर बार वही आ रहा है, हर बार भाई पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कितनी बार कर दिया बच्चे मैंने भाई, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं वेरी कर रहा है, तो इसको करना है आपको सोल्यूशन। पहले तो हम निकालेंगे ए की वैल्यू, तो ए प्लस बी वेरी करेगा ए माइनस बी के, तो अगले स्टेप में ए प्लस बी कॉन्स्टेंट इक्वल टू के बराबर ए माइनस बी कॉन्स्टेंट लेट कर लेंगे, तो ए प्लस बी इजिकल टू के ए माइनस के बी, तो भी ए प्लस सॉरी बी माइनस इधर आके के बी हो जाएगा, और इधर के बी के ए इधर आके माइनस हो जाएगा ए, तो इधर से बी कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या वन प्लस के, इधर से ए कॉमन निकाला अंदर बचा के माइनस वन, तो ए अपॉन बी क्या आ गया वन प्लस के अपॉन में के माइनस वन, तो इधर लेट करेंगे लेट एम बराबर वन प्लस के अपॉन में के माइनस वन। नाउ ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा एम, तो ए बराबर एम बी, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हमें मिल गई। हमें अभी वेरियंस ए और बी वेरियंस नहीं करना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। सो प्रूफ क्या करना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, और इधर से ए की वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ ए है, क्या है एम बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में नीचे एम बी और बी, और क्या बचेगा ये बचेगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एम बी स्क्वायर। अब इधर से हम क्या करेंगे बी स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकालेंगे, तो बी स्क्वायर से कॉमन निकालेंगे अंदर बचा एम स्क्वायर प्लस वन, और नीचे क्या लिखा है एम बी स्क्वायर, भाई यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया नीचे ये बचा एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एम, और इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। फिर लेट कर लो लेट जेड बराबर एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एम। नाउ जब ऐसे लेट करा तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इजिकल टू क्या आएगा जेड, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू जेड ए बी, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरी करेगा ए बी को, प्रूव्ड।
आया समझ में। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि हमारी कमांड अच्छी हो गई। अगर आपने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो आप बिल्कुल इस पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यहाँ पर हमारा वेरिएशन कंप्लीट होता है अच्छे से एक एक क्वेश्चन।